प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप तीसरा अध्याय हमारा पड़ोसी नेपाल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारा पड़ोसी नेपाल। नेपाल हमारा पड़ोसी तथा मित्र देश है। इसके साथ हमारे देश के संबंध सदा से मधुर रहे हैं। यह हमारे देश के उत्तर में हिमालय की गोद में स्थित है। नेपाल उत्तर में चीन तथा दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत से घिरा हुआ है। यह एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल हमारे मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के आधे से भी कम है। नेपाल की जनसंख्या भी अधिक नहीं है। पूरे देश में कुल मिलाकर 1 करोड़ से भी कम लोग रहते हैं। प्राकृतिक संरचना के आधार पर नेपाल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इनमें पहला उत्तर का हिमालय क्षेत्र है, जिसे वहाँ पहाड़ कहा जाता है। यह भाग बहुत ऊंचा तथा दुर्गम है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि पर्वत चोटियाँ यहीं स्थित हैं। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इस चोटी पर चढ़ने वाले सर्वप्रथम पर्वतारोही थे शेरपा तेंजिंग नारगे एवं एडमंड हिलेरी। सर्वप्रथम 2 लोग गए थे, शेरपा तेंजिंग नारगे और एडमंड हिलेरी। नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र बहुत ऊंचा, ऊबड़ खाबड़ और ठंडा है। यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है, परंतु हिमपात बहुत होता है, यानी बर्फ बहुत गिरती है। इस कारण यह क्षेत्र खेती अथवा लोगों के रहने योग्य नहीं है। यहाँ कई नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। इनकी घाटियों में थोड़ी बहुत आबादी है। ये लोग गेहूँ, धान, आलू की खेती करते हैं, परंतु इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। जानवरों को पालना है इनका मुख्य व्यवसाय है। ये भेड़, बकरियां तथा याक पालते हैं। याक का उपयोग यहाँ के लोग सामान ढोने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त कस्तूरी मृग इसी क्षेत्र में पाया जाता है। नेपाल का दूसरा प्राकृतिक भाग काठमांडू की घाटी है। यह देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ धान की अच्छी पैदावार होती है। देश के 3 प्रमुख नगर काठमांडू, पाटन तथा बड़गांव इसी क्षेत्र में है। काठमांडू अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व विख्यात है। यह नेपाल का प्रमुख पर्यटन स्थल है। देश विदेश से हजारों पर्यटक हर साल काठमांडू आते हैं। नेपाल का तीसरा प्राकृतिक भाग है तराई। यह देश के दक्षिण में स्थित है। यहाँ की जलवायु उष्ण है तथा यहाँ वर्षा भी खूब होती है। इस कारण यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। ये भारत के वनों जैसे ही हैं। तराई के कुछ भागों को साफ करके कृषि योग्य भूमि बना लिया गया है। यहाँ धान, गेहूँ, पटसन, गन्ने आदि की खेती होती है। नेपाल के अधिकांश निवासी गोरखा जाति के हैं। ये बड़े ईमानदार, हंसमुख और परिश्रमी होते हैं। इनका कद मझोला, नाक थोड़ी चपटी और आंखें छोटी होती हैं। ये शरीर से स्वस्थ तथा मजबूत और स्वभाव से वीर तथा साहसी होते हैं।
इसी कारण भारतीय सेना में गोरखों की बड़ी संख्या होती है। उनका प्रिय हथियार खुखरी संसार भर में प्रसिद्ध है। नेपाल की एक और जात शेरपा भी बहुत प्रसिद्ध है। शेरपा लोग देखने में गोरखों जैसे ही स्वस्थ तथा मजबूत होते हैं। इनका सारा जीवन पर्वतों की गोद में व्यतीत होता है। ये अपनी आजीविका पर्वतों से ही प्राप्त करते हैं। ये मुख्यतः कुली तथा मार्गदर्शक, जिसे गाइड भी कहा जाता है, का काम करते हैं। शेरपा लोग भारी से भारी बोझ भी पीठ पर लादकर सरलता से ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाते हैं। ये केवल सामान ही नहीं, यात्रियों को भी पीठ पर लादकर ऊपर ले जाते हैं। पर्वतारोही दलों का सामान शेरपा ही ऊपर लेकर जाते हैं। एवरेस्ट शिखर पर सबसे पहले पहुंचने वाले तेंजिंग नारगे इसी जाति के थे। नेपाल के लोगों का मुख्य उद्यम कृषि है। नदियों की घाटियों तथा तराई क्षेत्र में अधिकांश लोग खेती करते हैं। कम ऊंचाई वाले पहाड़ी ढालों पर भी जहां कहीं संभव हुआ है सीढ़ीदार खेत बना लिए गए हैं। परंतु जहां खेती संभव नहीं है वहां लोग पशुपालन में लगे हैं। याक नेपाल का विशेष पशु है। यह अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। यह एक बड़ा उपयोगी पशु है। बोझा ढोने के अतिरिक्त यह भोजन भी देता है। लोग इसका दूध पीते हैं तथा मांस बड़े चाव से खाते हैं। यदि तुम नेपाल जाओ तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि किसी नए अपरिचित देश में आ गए हों। ऐसा इसलिए है कि नेपालियों के तथा हमारे जीवन में बहुत समानता है। अधिकांश नेपाली हिंदू अथवा बौद्ध हैं। वे भी उन्हीं देवी देवताओं की को मानते तथा पूजते हैं जो हमारे यहाँ पूजे जाते हैं। दशहरा, दिवाली, शिवरात्र तथा होली के त्यौहार उसी प्रकार मनाए जाते हैं जैसे हमारे देश में मनाए जाते हैं। नेपालियों के तथा हमारे खान पान, रहन सहन तथा रीति रिवाज में बड़ी समानता है। उनकी भाषा गुरखाली हमारी हिंदी से इतनी मिलती जुलती है कि हम उसे कुछ कुछ समझ सकते हैं। भारत आज़ादी के बाद से ही नेपाल को तकनीकी, सैन्य एवं आर्थिक सहायता प्रदान करता आया है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में यही पाठ। सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ें, समझें और अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें।